एरोप्लेन बासमती राइस प्रेजेंट दिल से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है शिवा इमोशनली एंड म्यूजिकली, और आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही है बेहतरीन अदाकार से, जो अपने अदाकारी की वजह से अदाकारी की बदौलत जाने जाते हैं। अल्लाह मियां, जब मेरी किस्मत लिख रहे थे पता नहीं मैं कहां था। बहुत ही मीनिंगफुल सिनेमा ये करते हैं, और हाँ दिल के भी बहुत सच्चे हैं, जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं, और जिंदगी कैसे जीनी होती है, किस सलीके से, किस तरीके से, ये इन्हें बखूबी आता है। चले मिलवाते हैं आपको आज दिल से लाइव में हम विपिन शर्मा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शिवा जी, थैंक यू वेरी मच। कैसे मिजाज है आपके? बढ़िया बढ़िया। चेहरा कैसी भी परिस्थिति लाइफ में आए, कैसे भी हालात हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इस बात का सबूत आपने अपने बचपन में ही दिया था। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आप एक जैसी भी परिस्थिति में हैं, आप एक ऐसी सिचुएशन में आप उसको मतलब ऐसा नहीं है, मैं रोता नहीं मैं रोता भी बहुत। आप अदाकार है, एक अदाकार अगर जज्बाती नहीं होता है तो कैसे वो अपने आप को साबित कर सकेगा किसी भी किरदार में। आपने हमेशा सवालात अपने आप से पूछे शुरुआत में, जैसे कि स्लम से होके आप ऊपर आए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने बहुत जद्दोजहद देखी है, बहुत कठिनाइयाँ देखी हैं। वो गुस्सा जो बचपन में था जब आप स्लम में रहते थे, तो टीवी नहीं देखने को मिलता था, एक ही जगह पे सब लोग इकट्ठा होके टीवी देखा करते थे, वो गुस्सा कैसे आपका हुनर बन गया, उस बारे में थोड़ा बताएं। हमारे घर में तो बिजली नहीं थी, टीवी नहीं था, स्लम में रहते थे, तो जिन घरों में हम जाने की कोशिश करते थे वो थोड़ा वेल टू डू फैमिलीज थे, तो मुझे यही लगता था कि यार हम लोग कुछ ले थोड़े रहे हैं हमसे, हम एक फिल्म ही तो देखने जा रहे हैं आज, बैठ के देखेंगे। और मतलब वो घर ऐसे भी नहीं थे कि हम लोग ऐसे ही नहीं चले जाते थे, वो घरों में हमारे मोहल्ले की जो मेरे आस पड़ोस की जो लेडीज़ थी वो उन घरों में काम भी करती थी, तो मैं उनके साथ जाता था। तो गुस्सा यही इसी बात का था कि ऐसा क्या है जो मैं नहीं बैठ सकता या मैं एक फिल्म नहीं देख सकता। मैंने ये बोला था अपने आप से कि ये जो लोग हैं जो मुझे अपने घर में टीवी नहीं देखना चाहते हैं, मेरी फिल्म घर पे टीवी पे देखेंगे, और ऐसा मुमकिन हो पाया? बिल्कुल, बिल्कुल। कभी आप चले गए उस एरिया में? मेरा बड़ा मन करता है, मैं अभी यही सोच रहा था जब आप ये बोल रही थी, मेरा बड़ा मन करता है कि उस एरिया में जाऊँ और उस घर पे दरवाजा खटखटाऊँ और टीवी ऑन कीजिए, दिल्ली में मैं टीवी पे आ रहा हूँ। लाजपत नगर। एक्टिंग की तरफ जो आपका रुझान था वो बचपन से ही था, अमिताभ बच्चन साहब की फिल्में आप देखा करते थे बहुत। बिल्कुल, दीवार और ये सब फिल्मों से बहुत इंस्पिरेशन मिलता था, क्योंकि लगता था कि हमारे स्लम में से ही कोई जाके खड़ा हो गया और बोल रहा है मैं, मतलब ये हमारा खुदा है, ये हमारे लिए। क्या दिमाग में आते थे तब विचार जब अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म? मैं तो उनके डायलॉग कॉपी करता था, सड़क गुस्सा जो उनका एंग्री यंग मैन जो था, वो एंगर बहुत अच्छा लगता था कि कोई खड़ा होकर बोला कि नहीं गरीबों के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, तो हम लोग तो गरीब थे तो लगता था कि ये हमारे नायक हैं, ये हमारे हीरो हैं, ये हमारे मतलब हमको रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक शुरुआत तो वहीं से हुई थी, बिल्कुल वहीं से शुरुआत हुई थी जी। लेकिन आपके वालिद साहब, आपके जो पापा है पिताश्री, वो नहीं, उनको पसंद नहीं था। हाँ हाँ, वो उनके साथ मेरा कॉम्पिटिशन रहता था, मार पड़ती थी। हाँ हाँ, खूब पिटाई हुई। संडे को फिल्म देखने का बड़ा रहता था कि आज तो संडे को पिक्चर, सुबह से प्लानिंग चलती थी आज क्या बहाना मारा जाएगा, आज कैसे जाएंगे। मेरे साथ एक बार किस्सा हुआ था, मैं मुझे याद है शायद कौन सी फिल्म थी, गीत गाता चले ऐसी कोई फिल्म थी, मैं चला गया वो देखने के लिए, मैं ये बोल के गया था मैं अपने दोस्त के घर पढ़ने जा रहा हूँ, तो घर आया तो मैंने घर जब दरवाज़ा खटखटाया तो मैं किताब खोल के खड़ा था घुसते हुए, बच्चे करते ना तो ये करते हुए देखो कितनी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी तक पढ़ाई कर रहा हूँ, घर में घुसते हुए पढ़ रहा था, मैं नाटक कर रहा था पढ़ने का, मतलब एक्टर आप पहले से? मैं पहले से बोला तुम कहाँ गए थे, मैंने कहा मैं दोस्त के यहाँ था। किस दोस्त के यहाँ थे? मैंने कहा इस दोस्त के यहाँ था। चलो, मैंने ये था अगर मैंने इनको बता दिया कि मैंने झूठ बोला बहुत मार पड़ेगी, तो आप बिलीव नहीं करोगे मैं उनको अपने उस दोस्त के घर तक ले गया, और उनके घर का जो मेन गेट था उससे काफ़ी दूर तक था उनका घर, तो दरवाजे पे खड़ा होकर मैंने चिल्लाया, उसका नाम लिया मैंने, मेरे फादर साथ थे, वो चिल्लाया तो उसकी मदर ने, रात का टाइम था तो अंदर से उन्होंने दरवाजे से थोड़ा सा झाँका, बोली सो गया वो, तो मैंने जल्दी से बोला मैंने देखो सो गया, मैं अभी तो गया हूँ यहाँ से, हम लोग निकले वहाँ से, लेकिन मेरे फादर को पता चल गया था कि झूठ झूठ बोल रहा है, तो मेरी हिम्मत देखो मैं लेके गया उनको घर तक, झूठ पूरा वहाँ तक मेंटेन किया। बाद में जब एनएसडी फिर ज्वाइन किया, वहाँ आपने काफी कुछ सीखा, उसके बाद एक्टिंग से आपने किनारा कर लिया, आप बाहर चले गए, टोरंटो में आप थे, कनाडा में आप थे, वहाँ आपने एक्टिंग सीखी, उसके बाद फिर यहाँ वापस आए दोबारा, लोगों ने आपसे कहा, सवाल पूछे, आपको एक्टिंग नहीं आती, आप भूल गए होंगे एक्टिंग, इस तरह के भी सवाल आए, लेकिन यहाँ आने के बाद तारे जमीन पर मिली, उसके बाद आगे और भी लंबा सफर शुरू हुआ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। इस बीच कभी जब आप काम कर रहे थे,
सामने आ रहे थे स्क्रीन पे, आपके पिताश्री, आपके वाले साहब ने देखा आपको, फख्र से सर ऊंचा हुआ, उन्होंने कभी आपको कॉल किया या आपसे पर्सनली विजिट किया आपको, आपसे पूछा? नहीं, उनका एक्चुअली इंतकाल पहले हो गया, काफी पहले हो गया, उन्होंने देखा नहीं मुझे स्क्रीन पे कुछ भी, टीवी पे थोड़ा बहुत उन्होंने देखा था तो, लेकिन तब तक फिर भी उनको इतना नहीं लगा था कि बहुत कुछ, मतलब मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। एक आधे नाटक मैंने किए थे दूरदर्शन पे दिल्ली में, वो शायद आए थे, बट आई डोंट थिंक उनको इतना देखने का मौका मिला। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे परिवर्तन आए हैं जिन्होंने आपको फिर से यहाँ से ऊपर लाया है? कभी डिप्रेशन आए होंगे, कई सारी चीज़ें, कुछ एक आधा डिप्रेशन जब आपको लगा कि परिस्थितियाँ अब आपके विपरीत हो रही हैं, इतनी कोशिश मैंने की यहाँ तक आया, फिर चीजें हाथ से जा रही है, have you ever felt that after तारे जमीन के तुरंत बाद ही हुआ था ये, because I was trying to say no to lot of the things which were actually exactly the same roles. मेरे को तो एक दो बार फ़ोन भी आते सर एग्जैक्टली तारे ज़मीन पर वाला ही रोल है, आपको कुछ नहीं करना है, तो मैंने बोला जब मुझे कुछ नहीं करना तो मैं क्यों करूँगा, टैग लग जाता है, टैग है। और बॉम्बे में इस फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी स्टीरियोटिपिकल होता है, जैसे मैं बोलता भी हूँ मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं हूँ, आई रिफ्यूज टू हैव दैट टैग, आई एम एन एक्टर, आई एम नॉट अ कैरेक्टर आर्टिस्ट। और उससे क्या होता है कि आप काफ़ी लोगों को मना करते हो तो थोड़ी रिश्ते भी ख़राब होते हैं, आप वो रोल करना चाहते हो जो आप करना चाहते हो, लेकिन चूंकि आप एक रोल में पॉपुलर हो चुके हो तो सबको लगता है सब आपको उसी तरह के रोल में देखना चाहते हो, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, उसको उससे अलग जाना, बिकॉज यू आर फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। हाँ, तो उस चक्कर में कई सारी फिल्में भी हाथ से निकल जाती हैं, लोगों को ये भी लगता है बड़े बड़े फिल्म मेकर्स का हमें नो कह रहा है। हाँ, बिल्कुल, बड़ा इगोइस्टिक बंदा है, अभी अपने आप को बहुत बड़ा। देखिए, आमिर खान के साथ फिल्म क्या कर ली, अपने आप को आमिर खान समझ। तो ये मैं सुना, मैंने बहुत सुना, मैं बहुत डिप्रेस भी हुआ, मैं ऐसे दौर से भी गुजरा जब मुझे लगा कि शायद मैंने गलती कर दी, मुझे एक्टिंग फिर से नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उसी दौर में कुछ चीज़ें अच्छी हुई, सुधीर मिश्रा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो एक बार मैंने उनसे बात कर रहा था, मैंने उनसे बोला था कि सुधीर भाई मुझे बहुत दुख होता है कि मैं उतना काम नहीं कर पा रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस दी थी, उन्होंने बोला लिखते क्यों नहीं हो, बोले मैं तो जब खाली होता हूँ लिखता हूँ। तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा उस टाइम को कैसे, सी आपको अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से कैसे आप यूज कर सकते हैं वो आपको सीखना ही पड़ता है सूनर और लेटर। लेकिन आपने हमेशा दोस्तों का सुना है, अराउंड लोगों की जिनसे आप इंस्पायर थे उनकी बातें सुनी है, इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ, मुझे हमेशा कहीं ना कहीं एक एहसास जरूर होने लगता है कि इट्स टाइम टू ट्रांसेंड वन मोर टाइम, मैं काफी खुशकिस्मत रहा हूँ इस मामले में। आप एनएसजी के बाद अपने आप बाहर चले गए, उसका क्या कारण था? एक समय आया था जब मुझे लगता था कि मैं एक्टिंग नहीं करना चाहता, मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ, मैं थिएटर से ज़्यादा फिल्म से फैसिनेशन मेरा बढ़ गया था और मैंने बहुत सिनेमा देखा उस वक्त, मैंने एडिटिंग बहुत किया, बिकॉज मुझे लगा कि अगर मैं फिल्म नहीं बन डायरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ या लिख नहीं पा रहा हूँ या जो भी उस तरह का काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो एडिटिंग एक ऐसी विधा है फिल्म मेकिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है फिल्म मेकिंग का मुझे लगता है, और मेरे को थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी भी थी एक्टिंग को लेकर, मुझे समझ में नहीं आता था कि एक्टिंग क्या है, मैं किस तरह की इनसिक्योरिटी थी, मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, मुझे ये क्यों आपके ज़हन में आता था आप अच्छे एक्टर नहीं है? पता नहीं, मुझे अंदर से नहीं लगता था कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, मेरी तारीफ बहुत होती थी हुई भी, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे आई एम नॉट फीलिंग दैट आई एम एन एक्टर, इस वजह से मैंने एडिटिंग की तरफ ज़्यादा झुकाव गया मेरा, तो मैंने खूब एडिट भी किया काफ़ी। वो भी तो इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, दैट इज द रीजन आपने एडिटिंग की, आप फिल्म में डायरेक्ट कर रहे हो। नहीं, एडिटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कई सारी चीजें जो शूटिंग में नहीं पता लगती हैं आपको वो आपको एडिटिंग में दिखती हैं, बहुत ही सही कमियां, खूबसूरतियां भी छिपी रहती हैं कई बार, नहीं पता लगता आपको। वेरी नाइस, जैसे आपने कहा आपको कभी नहीं लगता था कि आप एक्टर है, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी, बाद में रियलाइजेशन कब हुई आपको नहीं अब तो आप बहुत अच्छे एक्टर हैं? फैन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें, क्योंकि मैं जब जब आता था, मैं बॉम्बे आता था, मैं इरफान से ज़रूर मिलता था, इरफान और मैं बात हुई तो इरफान ने बोला कि यार सिनेमा बदल रहा है, कुछ अच्छी फिल्में बननी शुरू हो रही हैं और अच्छा है, अच्छा दौर शुरू हो रहा है। मैंने बोला मैंने एक्टिंग सोचता हूँ, मैं एक्टिंग के बारे में मैंने पूरी तरह से छोड़ा नहीं है कभी, तो इरफान ने बोला कि तुमको उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा, तो मुझे लगा मैं कहाँ से आऊँगा, इतने सालों से मैं बाहर हूँ। खैर मैंने सोचा वो, और एक दोस्त ने बोला था कि आप एक्टर नहीं रहे, वो भी मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा। लोगों के जो नेगेटिव कमेंट्स है ना, ये कई हद तक आपको अपने अंदर झांकने की या बिल्कुल सलाहियत देते हैं, तब आप थोड़ा निकल के आ जाते हैं। बिल्कुल वही किया मैंने सोचा कि बात तो सही है,
और मैं दोबारा वापस जब गया था तो मैंने अपने आप को फिर से ट्रेन किया, रीट्रेन किया, और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ अब मैं एज एन एक्टर रेडी हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है। वो जब मुझे लगा कि हाँ, आपके अंदर से जब किसी चीज़ की बात, आपको अंदर से जब आवाज़ आती है किसी चीज़ के लिए, तो फिर आप उसको मना नहीं कर सकते। और आपके दोस्त बहुत अच्छे रहे, रिश्ते बहुत अच्छे रहे इंडस्ट्री में, और आप हमेशा चाहते हैं कि रिश्ता कोई आपसे छूट ना जाए, खो ना जाए, आपके बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसी कोई बात ना आ जाए। मेरा एक सेंटेंस है, मैं एक बात बोलता हूँ कि फिल्में तो बनती बिगड़ती रहेंगी, रिश्ते नहीं बिगड़ने चाहिए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ उसकी, मैं कोशिश करता हूँ, मतलब मैं भी कोई बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर भी खामियाँ हैं, कमियाँ हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई रिश्ता अगर ख़राब हो भी गया तो उसको एक मौका दिया जाए कि ठीक हो जाए। तो रिश्तों पर हम बात करेंगे, आपके और इरफान से आपकी दोस्ती पर हम बात करेंगे, और भी कई सारे एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में जिनके आप दीवाने रहे हैं और जिन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया बाद में कई बार मरतबा, उस पर भी हम बात करेंगे, बट लेंगे छोटा सा ब्रेक। आई विल बी सीइंग यू राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एरोप्लेन बासमती राइस प्रेजेंट दिल से में ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे साथ महवे गुप्तगु है, या वी आर इन कन्वर्सेशन विद हिंदुस्तानी सिनेमा का जाना माना नाम, वो एक्टर जो अदाकारी का इदारा है, यस कह सकते हैं आप। हमारे साथ है विपिन शर्मा। अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप एक संगीतकार होते, ये कई दफ़ा आपने मरतबा कहा है। हाँ, मुझे म्यूजिक से थोड़ा सा एक वो है, एक लगाव है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि अगर मैं नहीं होता तो मैं म्यूजिशियन होता। आपकी लाइफ में इरफान खान का बहुत अहम रोल है। जब कभी हम कहते हैं कि हम बहुत तनावपूर्ण तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, या देयर शुड बी समवन जो कंधा दे सके, सो ही शुड बी ऑलवेज देयर फॉर अस, सो ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू। इरफान खान के साथ दोस्ताना बहुत अच्छा है, आपका दोस्ती बहुत अच्छी है, गहरी है, so, किस तरह की बातें आप शेयर करते हैं उनके साथ? मैं जब इरफान की जब तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं लंदन में फॉर्चुनेटली था, तो मैं अस्पताल गया था मिलने के लिए, और हमने काफ़ी 5-6-7 घंटे साथ में बिताए थे। अनफॉर्चुनेटली अब हम पिछले 10 साल में इतना टाइम साथ में नहीं बिता पाए हैं जितना पहले बिताते थे, जब वो नया वो भी NSD से आया था, मैं भी निकला था, उसके बाद तो ही वो मसरूफ़ है, अपना उसका शूट चलता है, मैं बिज़ी रहा हूँ। लेकिन इरफान के साथ एक कुछ मेरा कुछ ऐसा रिश्ता है जो मैं, मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं भी सोचता हूँ उसके बाद, मतलब मुझे अभी हम लास्ट तो 1-1.5 हफ्ता पहले हम लोग मैसेज पे बात कर रहे थे, तो मैंने उसको, मैं कोशिश कर रहा था उससे टच में आने की और ये सब, तो जवाब नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको मैसेज किया, तो ही रोट मी के डोंट बी सैड, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, काम ये सब चल रहा है, तो बट यू नो, तो उन्हें बहुत अच्छा लिखा कि अगर तुमको सैड लग रहा तो DP चेंज कर लिया कर। मैंने उसको लिखा, मैंने कहा मुझे इरफान के साथ मुझे लगता है कि कुछ अजीब सी बात बोलूंगा शायद मैं, कुछ रूहानी रिश्ता कुछ लोगों के साथ हो जाता है, मुझे लगता है ऐसा है मेरा उसके साथ। मुझे इरफान सपने में बहुत आता है, मैंने इरफान को लेके, और वो जो सपने मैंने देखे हैं वो हमेशा बहुत खूबसूरत सपने हैं, उन सपनों का जो एक अकेब रहता है, बहुत अच्छा सपना आता है, आप उठते हुए बहुत अच्छे ख्याल में रहते हो आप दिन भर, वो सपने जब इरफान के साथ मेरे को, मैं वो सपना देखा है, वो मेरे साथ काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो मैंने इरफान को लिखा भी था कि मैं तुमसे मिल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको एक्चुअली यही हुआ था, इस बार यही हुआ था, मैं उससे, मेरा मन था मैं उदयपुर चला जाऊँ जहाँ उसकी शूटिंग चल रही है मिलने के लिए, सब मैं सोच रहा था, मैं जा नहीं पाया, लेकिन मुझे एक दिन फिर सपना आया जिसमें वो मुझे मिला और हम गले मिले बहुत प्यार से, और चूँकि वो हाइट में मेरे से बड़ा है तो सपने में उसकी हाइट और बड़ी हो गई थी, मैं जब उसके करीब रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई सारे ऐसे एक्टर्स रहे हैं जो आपके बहुत पसंदीदा रहे हैं, जिनमें ऋषि कपूर साहब भी एक, ऋषि कपूर साहब ने आपको एक बार कॉम्प्लीमेंट भी दिया था। हाँ, उन्होंने अनेबल टू से समथिंग, मेरे को समझ में नहीं आया कि वो इतने इतने सीनियर बड़े एक्टर हैं मुझसे और मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया तो मुझे नहीं समझ में आया कुछ कि मैं क्या बोलूँ, तो मैंने उनको बोला कि सर मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ तो उनको समझ में आ गया कि ये सेंटेंस मैंने ऐसे ही बोल दिया अभी, बिकॉज मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बट आई मेंट इट, सो ही लाफ्ड बहुत बदमाश हो तुम। तो मैं, आई वॉज एक्चुअली सपोज टू डू अ फिल्म विद हिम जो दिल्ली में, जिसका शूट भी शुरू हुआ था अभी इस इंसिडेंट से पहले, तो आई लॉस्ट अ चांस टू वर्क विद हिम, एंड आई वॉज प्लेइंग अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हिज इन द फिल्म, सो होपफुली दैट विल हैपन।
आपने इतने सारे किरदार निभाए, जैसे कह रहे हैं आपकी तारे जमीन पर के बाद एक टैग लग गया था, सो उसको निकालना था, उसको खत्म करना था, उसके बाद आपको मौके मिले अलग अलग तरह के किरदार निभाए? एकदम से तो नहीं मिले, काफी सालों तक, पर हाँ धीरे धीरे अब थोड़ा सा शुरुआत हुई है। शुरुआत जैसे मेरी इससे अभी जो मैंने फिल्म की थी गॉन केज, उसमें एक मौका था जो आई प्लेड अ फादर हु इज वेरी डोटिंग टू हर डॉटर एंड रियली लव्स हर। और भी एक तो फिल्में ऐसी हैं, एक तो किरदार ऐसे हैं, अभी जो मैं कोलकाता में फिल्म करके हूँ वो भी किसी तरह का किरदार है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको साउथ फिल्मों के भी ऑफर्स बहुत आते होंगे? नहीं, मुझे नहीं आते। बीच में कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था मुझे, ना मेरे से नहीं होता वो कि मैं डायलॉग सी, एक लैंग्वेज को बोलना बहुत मुश्किल चीज़ है। मैंने अभी बंगाली बोली है इस फिल्म में, एंड मैं काफ़ी समझता हूँ, मैंने यूट्यूब पर जाके काफ़ी लेसन्स सुने। एक भाषा को बोलना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट टेक्स, मैंने मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ, कई एक्टर बोलते हैं कि बहुत सारी भाषाओं में काम करने का मन है, मन अलग चीज़ है लेकिन रियलिटी अलग है। तो मुझे ना वो जो सामने डायलॉग पढ़ना एक बोर्ड से और डायलॉग बोलना, वो मेरे से होता, मैं मतलब मैं कर नहीं सकता, और भाषा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इसलिए कभी सोचा नहीं, और मेरा मन भी नहीं किया कि मैं तमिल तेलुगू की फिल्म करूँ जिसमें मैं तमिल तेलुगू बोल रहा हूँ पढ़ के। जैसे अभी आपने बंगाली फिल्म की तो उसमें आपने लैंग्वेज सीखी? मैंने सीखी, मैंने जितना मैंने बोलना था मैंने प्रैक्टिस किया, के लिए तो मैंने टेप किया। अच्छा होता है। हाँ लेकिन मुश्किल है, आप एक भाषा को 15 दिन में एक महीने में नहीं सीख सकते, टाइम लगता है, हर भाषा की एक नज़ाकत होती है, आप उसे छेड़ नहीं सकते। आमिर खान की बात करें, आमिर खान बहुत पसंद करते हैं, तभी पसंद करते या अभी हम लोग तारे जमीन के शूट पे हम लोग काफ़ी हमारी, अभी मैं एक्चुअली आमिर से अभी मिला, मैं करीब एक महीना पहले पृथ्वी पे एक प्ले देखने के लिए मैं भी गया था, वो भी था, हम लोग बहुत समय बाद मिले और बहुत प्यार से मिले, हम लोग वी हग्ड ईच अदर, तो 3 बार हम लोगों ने हग किया एक दूसरे को, एंड ही वाज आस्किंग मी क्या कर रहे हो आप, क्या क्या चल रहा है, सो आमिर के साथ मेरा हाँ बिल्कुल एक। आमिर खान के लिए एक वर्ड, लॉट्स ऑफ लव। लोग कहते हैं कि गजनी में जो है वो कैरेक्टर वो, हाँ अरे इतने लोग क्लेरिफाई करना पड़ेगा, मुझे इतने लोग गजनी समझते हैं कि मैंने अब हाँ करना शुरू कर दिया। आई मेट दिस गाय इन अ कॉफी शॉप, ही केम टू मी ने सर आपने गजनी में बहुत अच्छा काम किया, मैंने बोला मैं गजनी में नहीं, ही डिडंट बिलीव, ही सेड कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया, मैंने कहा मैं गजनी में नहीं हूँ, बोला क्या बात कर रहे हो, आपको मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ आप कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हो, आपने इतना अच्छा काम किया गजनी, मैंने कहा सर मैं गजनी में नहीं हूँ। तो ही लुक्ड एट मी एंड सेड आप बहुत रूड आदमी हो, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ और आप तारीफ नहीं ले रहे हो, बोल के चला गया वो। और मैं वहाँ खड़ा देख रहा हूँ कि ये क्या हो गया। मैं अभी एक और किस्सा हुआ था, मैं कहीं शूट से आ रहा था, मुझे कंजक्टिवाइटिस हो गया था, तो मैं गॉगल्स ग्लासेस पहन के डार्क बैठा था एयरपोर्ट पे, और 15-20 लोग एक कॉर्पोरेट कंपनी के लोग थे, वो लोग सब आए बीच में, मैं और आसपास वो फोटो खींच रहे हैं, और मैं वो चश्मे में एयरपोर्ट पे और ये सब लोग, तो वो फेसबुक पे मेरे सामने लिख रहे हैं विद गजनी एट द एयरपोर्ट। तो मैं अंदर से बोल रहा हूँ कि मैं क्या करूँ अभी, बट यू नो अब मुझे बुरा नहीं लगता, शुरू में लगता था थोड़ा। फिर मैं एक बार प्रदीप रावत से मिला था जिन्होंने गजनी का रोल किया, तो मैंने उनको बोला बहुत लोगों ने आपको लिए कॉम्प्लीमेंट भेजा है गजनी के लिए, तो उन्होंने मुड़ के मुझे बोला हाँ आपके लिए भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं तारे जमीन के लिए मेरे पास। तो आई गेस हम दोनों को थोड़ा ये हाँ हम लोग थोड़ा रिजेम्बलेंस है, क्या है कुछ है, मुझे लगता है एक फिल्म में आना चाहिए, हम लोग एक्चुअली एक फिल्म साथ करनी चाहिए ताकि लोगों को ये पता लगे कि ना तो हम ट्विन्स हैं, ना हम रिलेटेड हैं, और ना हम एक्चुअली एक जैसे लगते हैं। ही इज अ डबल इन साइज, इज डबल मैं तो। आज के दौर के कोई ऐसे एक्टर आप उनको पर्दे पर देखते हो वाओ निकलता है आजकल के दौर के एक्टर्स में? बहुत सारे यंगर एक्टर्स आर वेरी गुड एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम नवाज। नवाजुद्दीन की आपने बात की, ही इज आल्सो वन ऑफ द गुड। नवाज इज अ वेरी गुड फ्रेंड, नवाज को मैं गैंग्स ऑफ वासीपुर के समय से मैंने एक अनुराग ने मुझे एक वर्कशॉप करने के लिए बोला था एक्टर्स के साथ, तो मैंने 10 दिन पूरे गैंग्स ऑफ वसीपुर के गैंग के साथ 10 दिन एक वर्कशॉप टाइप हम लोग रोज करते थे। उससे पहले भी मैं नवाज से मिल चुका था, तो नवाज के साथ मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता है। इनफैक्ट आई विल बी डूइंग नवाज शमासिस नेक्स्ट फिल्म, शमासिस फर्स्ट फिल्म दैट इज रिलेटेड नवाज, और मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी की थी अभी विच इज़ डूइंग वेरी वेल, वेरी वेल, बेबाक, इट हैज़ वन LA में बेस्ट बेस्ट ऑडियंस, न्यूयॉर्क में बेस्ट शॉर्ट फिल्म। Yes. It's also traveling now to a lot of other places. बिल्कुल सही। Comedy roles की हम बात करें, आपको उतना ज़्यादा comedy फिल्में पसंद नहीं है जितना आपको जो meaningful cinema है वो ज़्यादा पसंद? नहीं ऐसा कुछ नहीं, अच्छी comedy होगी तो मुझे पसंद आएगी, खराब comedy मैं देख नहीं सकता। इसलिए आप लोग कहते हैं। मैं नहीं देखता, बिल्कुल अच्छी comedy देखने तो बहुत मज़ा आता है मुझे, actually comedy करने में बहुत मज़ा आता है। मैं I like playing characters who are funny, who are you know eccentrics, who are little crazy, थोड़े अलग से, जो यू नो जिनको देख के आप बोलोगे यार ये
इट्स क्वाइट फनी। आपके एक और दोस्त की बात करें अमोल गुप्ते की, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वन वर्ड। आई एम वेरी ओब्लाइज्ड बिकॉज ही वाज द वन हु ब्रॉट मी टू तारे ज़मीन पर। ही वाज द वन आई न्यू। मैं तो आमिर को नहीं जानता था। ही इज द वन हु ब्रॉट मी इन एंड देन आई एम वेरी थैंकफुल टू आमिर बिकॉज आमिर वाज वेरी वेरी डेट्रीमेंटल इन कास्टिंग मी। आपको मज़ा तब आता है जब आप कोई किरदार करो, आपको लगे कि आप कुछ इस किरदार को करने के बाद आप 10 साल आगे जाके जब पीछे देखें तो आपको यू शुड फील प्राउड ऑफ यूरसेल्फ। तो अभी जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, कौन सी फिल्म का किरदार आपको इतना अच्छा लगता है कि आपको लगता है मेरा बहुत बेहतर डिसीजन था मेरी किरदार निभाया? ऑल योर फिल्म्स। आई वुड से ऑल माय फिल्म्स बिकॉज यू नो आई ओनली से यस टू अ रोल दैट आई रियली वॉन्ट टू डू, अदरवाइज आई विल नॉट से यस। आपको लगता है एज एन एक्टर आपको नो कहना चाहिए, हमेशा यस नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए बिकॉज यू नो एज एन व्हाई शुड यू बी एबल टू से नो एज एन एक्टर। लाइक ऐसा एक्टरों ने क्या गुनाह कर दिया कि हम लोग मना नहीं कर सकते किसी काम के लिए? यू नो यू ऑल्सो हैव टू डू समथिंग, यू ऑल्सो हैव टू फील दैट यस ये मैं रोल करना चाहता हूँ, ये रोल मैं करूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको आपने हाँ कर दी सिर्फ करने के लिए और फिर आपका मन नहीं है तो आप कभी खुश नहीं रहोगे, आपके झगड़े होते रहेंगे, किसी ना किसी चीज़ को लेकर झगड़ा होता रहेगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप ना ही करो ना। ना करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, ना करना बिकॉज यू नो आपको करना है रोल, वो रोल तो मुझे करना है ना। इट्स लाइक अगर मैं किसी से ये लाइक मैं मुझे करना है वो डायलॉग मुझे बोलने हैं, उस शूटिंग में मुझे रहना है। तो जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ हाँ करने का मतलब नहीं है, इसलिए कि सिर्फ हाँ कहने के लिए हाँ कहना तो नॉट अ गुड थिंग। सो व्हाट काइंड ऑफ रोल आगे आप करना चाहते हैं? आखिरी सवाल आपसे, जो आपका ड्रीम रोल है? मेरा ड्रीम रोल पता है क्या आपको? आई वांट टू प्ले अ फीमेल कैरेक्टर। वाह सुपर। क्योंकि एक मेल के लिए अल्टीमेट चैलेंज है एक फीमेल कैरेक्टर। एज ए स्पीशी मुझे फीमेल कैरेक्टर इज द अल्टीमेट चैलेंज, इट विल बी बिकॉज देयर यू टोटली नीड टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। दैट विल बी अ रोल दैट आई वुड रियली लाइक टू। सुपर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए विपिन जी, बहुत मजा आया। थैंक्स अ लॉट। आपकी जिंदगी काफी कारनामों से भरी हुई है, एक दिन आपके साथ फुर्सत में और भी बातें करेंगे। थैंक्स अ लॉट। जिंदगी में मुश्किलें जितनी भी आए, परिस्थितियां कैसे भी हों, लेकिन अपनी हार जो है कभी स्वीकार ही नहीं चाहिए। अपने आप से सवाल जरूर पूछने चाहिए, आपको मंजिल मिल ही जाती है। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते चेहरे सुपर ऑसम लगते हैं। खुदा हाफिज़।